अजय देवगन की मूवी रेड सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, तारीफें बटोर रही है। राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी यह मूवी अभिनय और डायलॉग्स के मामले में काफी तगड़ी है। मूवी ने सुबह के शोज में काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी दिखाई, वहीं शाम के शोज में भीड़ बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। अजय देवगन की पिछली मूवी गोलमाल अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। ये सुपरहिट मूवी 200 करोड़ी मूवी साबित हुई। वहीं सिंघम रिटर्न्स अजय देवगन की सबसे बड़ी ओपनर अब तक की साबित हुई है। अब जबकि रेड ने इतनी धमाकेदार शुरुआत कर दी है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि रेड ओपनिंग कलेक्शन के साथ सिंघम रिटर्न्स को पीछे कर पाती है नहीं। बहरहाल आपको बताते हैं कि अजय देवगन की सबसे बड़ी मूवी गोलमाल अगेन थी, जिसने 205 करोड़ की कमाई की थी। वहीं अजय देवगन की सबसे बड़ी ओपनर 2014 में आई सिंघम रिटर्न्स थी, यानी 4 साल तक उन्हें कोई भी बड़ी ओपनिंग नहीं मिली। सिंघम रिटर्न्स ने 32 करोड़ की ओपनिंग अजय देवगन को दी थी। बतौर सोलो हीरो अजय देवगन की सबसे बड़ी हिट मूवी सिंघम रिटर्न्स ही हुई है, जिसने 140 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं 100 करोड़ क्लब में अजय देवगन के अब तक सिर्फ 7 फिल्में ही शामिल हैं, जबकि रेड 8वीं मूवी बन सकती है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉमेडी मूवी गोलमाल अगेन अजय देवगन के ही नाम से चलती है। यह आज तक की सबसे ज़्यादा कमाने वाली कॉमेडी मूवीज़ में से एक है। अजय देवगन ने अब तक 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं, जबकि 5 सुपरहिट फिल्में दी हैं। उम्मीद है रेड इस लिस्ट में शामिल होगी। अगर वो ब्लॉकबस्टर लिस्ट में शामिल होती है तो आसानी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। वैसे ये मूवी छोटे बजट की मूवी है तो 100 करोड़ के आंकड़ा पार करना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, और साथ में इसका कलेक्शन ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉकबस्टर लिस्ट में भी जाने के आसार हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि ये मिलेंगे आपको बॉलीवुड से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले।